नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और इस समय मौजूद है शिमला में। और हाटी समुदाय का जो काफी समय से डिमांड यहां पर कर रहे हैं, विधानसभा में भी जो है मिल चुके हैं मुख्यमंत्री से, और केवल अभी आश्वासन यहां पर मिला है। अब आंदोलन तेज करने की ये बात कर रहे हैं कि अब आंदोलन तेज होगा, किस तरह की रूपरेखा होगी इस आंदोलन की, ये पूरी जानकारी जो इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको देंगे। और आपको बता दें कि अब आंदोलन को जो है रूप तेज यहां पर कर दी है और आने वाले समय में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसी लाइव स्ट्रीम के साथ आप जुड़े रहिए, आपको पूरी अपडेट देंगे हाटी समुदाय की, जो काफी समय से अपनी डिमांड यहां पर पूरी कर रहे हैं। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। सर, काफी टाइम से हाटी समुदाय एक अपनी डिमांड पर अड़ा है और आंदोलन अब तेज होने वाला है, किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है आपकी? पिछले कल हमारी शिमला में एक बैठक हुई है हाटी विकास मंच, उसमें ये फैसला हुआ है कि पहली मई को मजदूर दिवस के मौके पर हम लोग शिमला में महाकुंभली करेंगे। ये पहली बार हुआ है 70 साल में शिमला में महाकुंभली, पहले कभी नहीं हुई है। ये एक लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है, हमारी प्राचीन प्रक्रिया है, जिसके तहत ये ग्रामीण संसद कही जाती है, जिसमें लोग फैसले लेते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे लोग पूरे गिरिपार के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सबकी निगाह ये कि हमारा मंच क्या फैसला लेता है। कल मंच ने ये फैसला लिया है कि 1 तारीख को महाकुंभली होगी, उसमें गिरिपार की जो हमारी संस्कृति है, इसका मुख्य मकसद है हमारी जो संस्कृति है। हाल ही में मंत्री जी ने कहा था कि प्रिमेटिव सोसाइटी वहाँ नहीं है, आदिम समाज वहाँ नहीं है। हम ये दिखलाना चाहते हैं कि जो हमारा बढ़ियालता नृत्य है, जिसके पजोता में आप लोगों ने झलक देखी, बिल्कुल वो उसी संस्कृति को एक दर्शाता है। और पूरे गिरिपार के हमारे अलग अलग सांस्कृतिक दल यहाँ पे आएंगे, महिलाएं यहाँ पे आधी आबादी है। हम आपके माध्यम से महिलाओं से भी आह्वान करना चाहेंगे कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। नौजवान है, मौजूद व्यक्ति है, जो हाटी है हमारे, उसमें तमाम लोग यहाँ पे आएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम एक भव्य समारोह करना चाहते हैं। इसके जरिए हम ये सरकार को जतलाना चाहते हैं कि जो हमारा आंदोलन है उसको हल्के ढंग से ना ले। हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को हम हल करवाएंगे। हमने केवल उनके आश्वासन पे हमने अपना आंदोलन, एक तरह से यहाँ पे जो घेराव होना था उसको स्थगित किया था, लेकिन आंदोलन हमारा गिरिपार में जारी रहेगा। अगर जून तक ये नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से हाटी की महाकुंभली इलाके में होगी। जो भी हमारी सुप्रीम संस्था है, केंद्रीय हाटी समिति, जो भी वो हमारी शीर्ष संस्था है, जो भी वो निर्णय लेगी, हम उसकी पालना करेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे को सरकार से, मुख्यमंत्री जी से हमारा ये आग्रह है, यहाँ के शिमला के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के सुरेश कश्यप जी से हमारा ये आग्रह है कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले और शीतत के साथ केंद्र सरकार के साथ उठाए। और चुनावी साल है, सिरमौर के लोगों को, हाटी के लोगों को, 3 लाख लोगों को, 150 पंचायतें हैं, लगभग 400 गाँव है, उनको एक सौगात दे चुनावी साल में। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो लोग, अभी तो आपके पक्ष में, लेकिन फिर लोग, नॉन पॉलिटिकल ये हमारा मूवमेंट है, लोग आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि हम आपके, जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको ये जल्दी लेना है निर्णय, क्योंकि चुनावी भी है, चुनावी साल में लोगों की सब्र की परीक्षा ना लें। सर, इसके अलावा जो जौनसार बावर क्षेत्र पड़ता है, आपके साथ लगता हुआ गिरिपार क्षेत्र है, उसको पहले ही जो है वो जनजाति का दर्जा मिल गया, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आप लगातार डिमांड करते रहते हैं, लेकिन डिमांड पे जो है वो अमली जवान नहीं पनाया जाता, क्या वजह मानते हैं आप? शिलाई की महाकुंभली में ये भी तय हुआ था कि अगर ये जून महीने तक वहाँ हाटी के, केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारी फकीरचंद चौहान जी ने कहा था कि अगर ये नहीं होता है तो हम उत्तराखंड में मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। ये सीधे इससे कड़ा संदेश सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि हमारा एक भाई, आपने सारे बेनिफिट आपने दे दिए, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी कन्विंस्ड इस बात से कि हमें अधिकारों से वंचित है। ये आज की मांग नई नहीं है, हमारी मांग 55 साल पुरानी है। कईयों को ये लगता है कि आज तो डेवलपमेंट होगी या सड़कें होगी, लेकिन कभी आप लोग तो खुद देखते हैं, गिरिपार आइए, 15 मिनट के अंदर भोजन पच जाता है, हमारी हिचकोले खाती है, वहाँ पे सड़कें सही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है। तो ये की पैरामीटर, और केवल विकास इसका पैरामीटर नहीं है, फिर तो उत्तर प्रदेश और बिहार जनजाति क्षेत्र घोषित होता। इसके लोकुर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, हम उसकी फुलफिल करते हैं, राज्य सरकार से हम आभारी है, यहां से रिपोर्ट पॉजिटिवली केंद्र सरकार के पास गई है। अब केंद्र सरकार से हम ये आग्रह करना चाहेंगे राज्य सरकार के माध्यम से कि इस मुद्दे को उठाएं, अन्यथा फिर इसके गंभीर नतीजे भुगतने को मिल सकते हैं। तोमर जी, आप बताइए, काफी समय से जो है डिमांड यहाँ पर है, क्या लगता है कितना नुकसान हाटी समुदाय के, जो वहाँ पर गिरिपार की अगर हम बात करते हैं, क्या नुकसान है होता है? विकास की अगर बात करें, किस तरह का विकास अभी तक यहाँ पर हो पाया है? क्योंकि दावे सभी सरकारें करती है, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, पर अनदेखी जो हो रही है हाटी समुदाय की हो रही है।
देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो यही हुआ कि जो हम विकास की दरार जो हमारे एरिया में बहनी थी वो उस पर बुरी तरह से जो है रोक लगी थी। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र का जो एक ब्रेन है, क्रीम ब्रेन है सिरमौर में, और खासकर जो गिरिपार के क्षेत्र है, वो जो यूपीएससी की जो एग्जाम देते हैं उसमें उनको कोटा मिलता है, रिजर्व उनके लिए सीटें रहती है, उसमें हमें नुकसान हुआ है। अभी तक अगर नुकसान को देखा जाए, एचएएस में जो आपको सीटें मिलती है वो सरकारी डिपार्टमेंट में जो नौकरियां मिलती है उसमें हमारे जो युवा है उनको नुकसान हुआ। कई क्षेत्रों में हमें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो अन्याय हुआ, और जैसा आपने कहा कि अभी तक जो वहां के पॉलिटिशियंस है वहां कहां कमी रह गई, मुझे लगता है उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने समझा कि जो लोग, जब लोग आवाज इतनी जोर से नहीं उठा रहे, लोग नहीं बोल पा रहे उतनी जोर से, तो शायद उनको लगा ये मामला काफी हल्का है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर वो हमारे हक हकूकों के लिए लड़ते हैं तो आज सिरमौर के जो गिरिपार क्षेत्र के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आज संघर्ष कर रही है हमारी महिला, हमारा यूथ, वो आज नहीं करता, शायद आज वहां की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जैसा राजू मैं आपको बता दूं, जो शिमला में महासम्मेलन होने जा रहा है उसका मकसद ये नहीं है कि हमने एक मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें यह होगा कि जो ये कहा जाता है कि हमारा जो सिरमौर है वो कितना रिच है अंदर से कल्चर, अगर वहां की संस्कृति को देखें, वहां के जो हमने जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां का जो हमने एक संस्कृति को रोक के रखा हुआ है जिसको आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं होगा, अभी हिमाचल ने नहीं देखा होगा, यहां की सरकार ने नहीं देखा होगा, वो चीजें वहां पर देखने को आपको मिलेगी। और आपको लगेगा कि अगर ये दर्जा मांग रहे हैं, अगर ये एसटी की बात कर रहे हैं, अगर वहां का एरिया को अगर डेवलप करना, आगे बढ़ाना, इन लोगों को संरक्षण देना है, तो ये जरूरी हो जाएगा कि आप हमें जो ये संवैधानिक हक है वो हमें दीजिए, और उसके लिए हम एक महाकुंभली जो करने जा रहे हैं 1 मई की, वो एक हमारी एक झलक होगी आपको देखने के लिए, और हम आपको अपना असली जो हमारा रिच है, जो हमारा कल्चर है उसको दिखाएंगे। उसके बाद अगर जो सीएम साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है उस पर हम टिके हुए हैं, उसके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन सीएम साहब का जो आश्वासन है उसके ऊपर क्या अमली जामा पहनाया गया केंद्र सरकार ने, उसके बाद अगली रणनीति जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वो उस पर अमल किया जाएगा और संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। 50 साल पूरे हो चुके हैं संघर्ष में, 75 साल हो गए, पर संघर्ष करते 50 साल हो गए हैं। सरकारें आई, सरकारें गई, केवल आश्वासन अभी मिले, अभी भी आश्वासन यहाँ पर मिल रहा है। और अब जो है, अब क्या आपकी आगे रणनीति रहेगी, क्योंकि आश्वासन पे अब आप कह रहे हैं कि बात नहीं चलेगी, महाकुंभली सिरमौर में भी हुई, अब शिमला में भी अब इसका आयोजन यहाँ पर होने वाला है, तो क्या लगता है आप? देखिए, जो राजनेता हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं, खासकर जो जिला सिरमौर के और 4 कॉन्स्टिट्यूएंसियां उसमें आते हैं, जो एमएलएज है उसमें, उनको ये सोच लेना चाहिए कि जब तक एक आम आदमी आम भाषा में उनको उनसे मांग कर रहा है, उनको ये बात उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वो संघर्ष करते हैं क्या तभी उनको उनका हक देना चाहिए? उनको समझना चाहिए कि वो अपनी बात एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, तो उनको उनका सम्मान करना चाहिए और इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। वही मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से, उनकी पूरी कैबिनेट से भी आग्रह रहेगा कि जो लोग एक आराम से साधारण भाषा में बिना संघर्ष के, बिना तोड़फोड़ के, बिना किसी नुकसान के अगर वो अपनी बात को रखते हैं, तो आपको उनके हक को समझना चाहिए, उनके भावनाओं का कदर करना चाहिए और उनके हकों को देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कहां पर सभी बड़ा जो आयोजन होने वाला है, कितने जो लोग हैं इसमें सम्मिलित होंगे? देखिए, जिस तरह से कल जो बहुत मैराथन बैठक हुई थी, लगभग 3 घंटे ये बैठक चली थी, और उस बैठक में कई लोग जो शिमला में रहते हैं, हमारे कई तो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं लोग, यहाँ कॉन्ट्रेक्टर्स है, कोई कई तरह के लोग जो यहाँ रहते हैं, मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छी मीटिंग हुई थी। उसमें सब बातों पर चर्चा हुई थी। जो अभी चैत्र महीना शुरू होता है, अभी जो अप्रैल का, उस समय सिरमौर में काफी सारे मेले होते हैं, बिशूज होते हैं और कई त्यौहार आते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया कि अप्रैल का महीना काफी बिजी रहता है। ऐसे में वहां यह फैसला हुआ कि 1 मई को इसको किया जाए। शिमला में जगह चिन्हित हम कर देंगे, व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है, एक बार फिर हम मीडिया के माध्यम से भी लोगों को मैसेज दे देंगे कि 1 मई का वो दिन होगा जिस दिन आपने पूरी तैयारी के साथ, पूरे जुनून के साथ शिमला पहुंचना है। महिलाओं से भी मेरी अपील रहेगी, युवाओं से मेरी अपील रहेगी, बुजुर्ग जितने लोग हैं केंद्रीय समिति में जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने 20-30 साल इस पर स्टडी किया है, काम किया है, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो शिमला पहुंचिए। हम शिमला में और खासकर पूरे प्रदेश को और दिल्ली तक को ये दिखाना चाहते हैं कि अभी वो सिरमौर के लोग क्यों मांग कर रहे हैं एसटी के लिए, क्यों लड़ रहे हो, उनको जरूरत है और उनको ये कल्चर है, और एक वहां पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ठीक है।